तरह से देख पा रहे हैं यात्राओं को, कांग्रेस निकाल रही है न्याय यात्रा, अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो आपकी पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और वाकई में आपकी पार्टी ने विकास किया है, जनता ने आपका साथ दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? साक्षी जी, दोनों यात्राओं को समझ लीजिए, दोनों में बड़ा गैप है। जी एक यात्रा इस उद्देश्य से निकाली जा रही है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं उनका लाभ किन लोगों तक पहुंचा और कौन लोग उस लाभ से वंचित रह गए उन्हें भी इसमें जोड़ना, कितने आवास बन चुके हैं और कितने और बनने चाहिए, और जिनको आवास मिल गया है उसको अन्य किसी योजना के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जन कल्याण का जो अंत्योदय का रास्ता है उस रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण 2047 तक करना कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो जाए, 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आप जन कल्याण की बात कर रहे हैं प्रजगोपाल जी, और कांग्रेस कह रही है कि अन्याय हुआ है भारत के लोगों के साथ, इसीलिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस सच कह रही है, जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा था उन्होंने पहले